हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग साइंस ग्रुप के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी जो आपसे साइंस ग्रुप के अंतर्गत केमिस्ट्री से पूछे गए, यानी कि रसायन विज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप सीरीज में आज तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। देखिए, कार्बन की मात्रा पूछ रहा है ढलुआ लोहे में, पिटवा लोहे में, स्टील में, मिश्र धातु स्टील में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ढलुआ लोहे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, निम्नलिखित में कौन सा सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहलाता है? निर्जलीय बर्फ, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठोस जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बॉक्साइट अयस्क है। देखिए, किसका अयस्क है पूछा जा रहा है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, सोने का। तो यह है एल्यूमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। देखिए, किस चीज़ की कमी रहती है जिसमें कीट भक्षी पौधे उगते हैं? मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर जल की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए, फोटोग्राफी प्लेट पर पूछा है किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? देखिए, सबसे ज़्यादा आपसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है पूछा जा रहा है? इनमें सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? देखिए, कौन सा ऐसा मेटल है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है पूछ रहा है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोना। क्वेश्चन नंबर एट है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है फॉसिल फ्यूल कौन सा है? अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस जो है वो क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है अग्निरोधक कपड़े बनाने में। क्वेश्चन नंबर टेन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? देखिए, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका यूज बर्तनों में जो चमक है उसको बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए, कार्बन से इनमें से कौन बना हुआ है पूछ रहा है? केवलार, लेक्सान, ग्रेफिन, स्पाइडर सिल्क। तो देखिए, कार्बन से सिर्फ ग्रेफिन बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जो सी है इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रियोन 12, क्लोरोफॉर्म, गैमेक्सीन, एस्प्रिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। देखिए, स्टील को ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है? सिलिकॉन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है या फिर मैग्नीज की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है? तो देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? देखिए, वाहन प्रदूषण का पूछ रहा है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है, वाहन प्रदूषण का जो भाग नहीं है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है? देखिए, टंगस्टन का पूछा है आपसे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है लगभग? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण निम्नलिखित में किस पदार्थ में घुल जाता है? देखिए, सोना पूछा है आपसे किस पदार्थ में घुल जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया, एसिटिक अम्ल। तो देखिए, जो सोना होता है वो एक्वारेजिया में घुलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट पूछ रहा है, डेनिस गेसांग, लियोनार्ड द विंसी, जोसेफ अस्पीडन, हेनरी। तो इसका राइट आंसर है जोसेफ अस्पीडन द्वारा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में निम्नलिखित में क्या उपस्थित नहीं है? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो खारा पानी होता है उसमें इनमें से क्या चीज़ उपस्थित नहीं होती है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम इसमें उपस्थित नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? देखिए, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए पूछ रहा है, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? देखिए, जो फायर वर्कर होते हैं उनके लिए जो कपड़े बनते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? अभ्रक से, एस्बेस्टोस से, टेल्क से, स्टेराइड से। तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन बी, एस्बेस्टोस के बनते हैं इनके कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? मैग्नेटाइट में, लिमोनाइट में, हेमेटाइट में या फिर सीडेराइट में। तो देखिए, जो मैग्नेटाइट है इसमें 72% क्या होता है? लोहा होता है, यानी कि आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपसे पूछा गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? देखिए, कौन सी धातु पूछ रहा है स्वतंत्र अवस्था में? एल्यूमिनियम, सोना, लोहा, सीसा। तो सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु है? देखिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा मेटल है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो देखिए, प्लेटिनम जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल का जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? देखिए, क्विक सिल्वर का आपसे केमिकल नेम पूछा जा रहा है, पारद यानी कि पारा, चांदी, स्वर्ण, तांबा। तो देखिए, क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम है वो है पारा यानी कि पारद। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है? देखिए, जो हम घरों में ट्यूबलाइट यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है पूछ रहे हैं? आर्गन प्लस मीथेन, पारे की वाष्प प्लस आर्गन, हीलियम प्लस आर्गन या फिर कार्बन। तो देखिए, ट्यूबलाइट में भरी जाती है पारे की वाष्प प्लस आर्गन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, टिंचर आयोडीन घोल है? देखिए, टिंचर आयोडीन पूछा जा रहा है किस चीज़ का घोल है? पोटेशियम आयोडाइड, एथिल अल्कोहल, जल या फिर सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, ये होता है पोटेशियम आयोडाइड का घोल। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? देखिए, कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मजबूत है पूछ रहा है? जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील, ग्रेफिन। तो इनमें से जो है ग्रेफिन सबसे ज़्यादा मजबूत पदार्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ZnSO4 को, H2S को, H2S2O8 को या फिर H2SO4। देखिए, यहाँ पर टू नहीं आ, क्या होगा? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहें।